गुरु होता क्या है, गुरु है क्या, ये गुरु पूर्णिमा होती क्या है, जिस भाषा से हम लोग समझ जाते हैं या सरल समझते हैं कि गुरु गुरु पूर्णिमा ये क्या है, गुरु क्या है, गुरु का मतलब होता है प्रकाश, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए ना, वही आपका गुरु है। गुरु कैसे जाने, गुरु कैसे बनाए, रियल में गुरु होता कौन है? देखिए इस समय का जो दौर चल रहा है ना, यहाँ पे तो गुरुओं की भरमार सी है। आपको भी ना आप देखोगे तो जल्दी से शिष्य ढूंढने वाले मिल जाएंगे, और वो क्या बनाते हैं, वो शिष्य बनाते हैं। लेकिन रियल में गुरु के अंदर वो पात्रता है या नहीं है, ये जाने बिना आप गुरु कैसे धारण कर लेते हैं? सबसे बड़ी चीज गुरु को जानने के लिए क्या होती है? देखो भाई, आप पानी पीते हो ना, पानी कहा जाता है कि जितना साफ रहेगा, स्वच्छ रहेगा, आपकी शरीर उतनी ही हष्ट पुष्ट रहेगी। ऐसे जैसे पानी होता है ना, वैसे ही गुरु होता है। आपने गलत गुरु धारण कर लिया तो आपके जीवन पे गलत प्रभाव पड़ने लगेगा। अब बात आती है कि गुरु को ढूंढे कैसे, गुरु मिलेगा कहाँ पे, सही गुरु की पहचान क्या है, तरह तरह की चीजें आती हैं। बिल्कुल सरल है, कैसे सरल है समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, पहले तो जुड़ जाइए, शेयर कर दीजिए, शेयर करके ना शेयरर का टैग ले लीजिए, फिर आपके अपने प्रश्न होंगे, आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, उसका उत्तर भी हम आपको जरूर देंगे। देखो भाई, गुरु पूर्णिमा आई, गुरु कौन है? जैसे मान के चलो आप एक दुकान पे जाते हो, और दुकान पे ना कई लोग बैठे रहते हैं। आप मान लो किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हो जिसका नाम है मोहित। आप उस व्यक्ति का नाम जानते हो, नाम क्या है, मोहित। सिर्फ आप क्या जान रहे हो, नाम जान रहे हो। आप उस दुकान पे जाते हो, आप मोहित नाम जानते हो, बट मोहित को पहचानते नहीं रहते। आप क्या करते हैं, आप वहीं बैठे एक व्यक्ति से पूछते हैं, भैया मुझे मोहित जी के पास जाना था, आप बता सकते हैं मोहित कौन है? वो ऐसे ही इशारा कर देता है, उधर की तरफ इशारा कर देता है, बगैर बोले। उसने क्या दिखा दिया आपको, उंगली, और आपको पता चल जाता है कि मोहित कौन है। ऐसे ही भगवान और गुरु की स्थिति है। भगवान तो सर्वज्ञ सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, हर क्षण विद्यमान है, आपसे बिल्कुल निकट है। पर आप जानोगे कैसे, कैसे जानोगे, यहीं पे जानने और मानने में भी अंतर होता है। आप अपने पिता को ये नहीं कहते, माना मेरे ये पिता है, आप कहते हैं हम जानते हैं आप हमारे पिता हैं, हम जानते हैं ये हमारे पिता है। तो ईश्वर को माना कैसे कह सकते हो आप जानते हो ये मेरे गुरु है, आप जानते हो ये मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। मानोगे तो सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में पढ़ते थे ना, माना उसकी उम्र है, क है, ग है, ऐसे पढ़ते थे। बट मानना है तो सिद्ध करना पड़ेगा, क इजकल टू क्या होगा या एक्स इजकल टू क्या होगा। पर यहां मानने की बात नहीं होती बंधु, यहां जानने की बात होती है। सबसे जरूरी है जानना। किसको जानना, अपने गुरु को जानना, उस ईश्वर को जानना। गुरु वही है ना जो आपको मनवाए नहीं, जो आपको दिखा दे, जो आपको पता करा दे, हाँ रियल में ईश्वर होता है और ये देख लो ये कैसा दिखता है। क्यों? क्योंकि उसे देखा ही जा सकता है, उसे महसूस ही किया जा सकता है। ईश्वर क्या होता है, अतुलनीय है, अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती किसी से। आप अपने दिमाग से सोचना, जिसकी तुलना ही नहीं हो सकती, तो कैसे बता दूं कि वो कैसा दिखता है। उसके जैसा तो कोई है ही नहीं, उसके जैसे तो इस संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। कैसे बताऊं तुम्हें कि वो कैसा दिखता है, उसे देखो ना, उसे महसूस करो, वो तुम्हारे अंदर ही स्फुटित होता है। तुम्हें कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा माध्यम है उस गुरु तत्व को जानने के लिए, उस प्रकाश को जानने के लिए। क्योंकि गुरु है कौन, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवाय महेश्वराय, गुरुर साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो गुरु है, वही पार ब्रह्म ही गुरु हो सकता है, और कोई गुरु है वे नहीं। हाँ माध्यम है, और माध्यम क्यों बड़ा हो जाता है, समझते हो आप क्यों बड़ा हो जाता है, क्यों गुरु सर्वज्ञ और सर्वव्यापी हो जाता है, आप समझते हो? अभी तक तो आपने कभी अपने गुरु जी से पूछा है, आपको अपने गुरु से पूछना चाहिए, गुरुदेव क्या आप मेरे पापों का भार उठाने के लिए तैयार हैं? पूछिएगा इस धरती से कि आपने कितने पाप किए हैं और आपके पाप का बोझ कौन उठा सकता है, कोई है नाथ, रिश्तेदार, सगा, पुत्र भी नहीं उठा पाएगा। सुधांशु जी बहुत स्वागत है, ढेरों आशीर्वाद। पुत्र भी आपके पाप का बोझ नहीं उठाएगा, कौन उठाएगा, गुरु उठाता है। गुरु है क्या,
जैसे पानी बहुत गंदा हो जाता है ना, बहुत गंदा, और इतना गंदा हो जाता है कि वो साफ नहीं होता और पीने पे बीमारियां हो जाएंगी। आप फिल्टर मशीन में डालते हो जल को, और वो जल को ना फिल्टर करके ना तुरंत साफ कर देता है। गुरु वही होता है जो तुम्हारे पापों को तक्षण भस्म कर दे, तक्षण। ये ना बताया कि तुम ये मंत्र जपो, जपते रहो, तो फिर तुम जपते 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 जब तुम्हारा पाप कट जाएगा तब तुम्हें गुरु प्राप्त होगा, तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे, तब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं, आप ऐसे गुरु को ढूंढना है ना जो समस्त पापों को तत्क्षण। ज्योतिषाचार्य आलोक ऋषिवंश जी, बहुत बहुत स्वागत है, आपको भी सादर प्रणाम। तो जो तत्क्षण आपके पापों को नष्ट कर दे, वो ये ना कहे गोपाल पांडे जी आशीर्वाद आशीर्वाद यशस्वी भव। तो जो तत्क्षण आपके पापों को नष्ट कर दे, एक सेकेंड नहीं लगाएगा भाई, आप जरा सोचो ना, तब जाके उस गुरु की महिमा होती है। गुरु क्या है? गुरु एक अग्नि है, अग्नि में कुछ भी डाल दो, अच्छा या बुरा, वो सब नष्ट कर देती है। लेकिन गुरु रूपी जो अग्नि है ना, वो तुम्हारे पाप रूपी संस्कारों को नष्ट कर देती है और तुम्हें तक्षण उस ईश्वर के दर्शन करा देती है। उस गुरु की कृपा होती है, वो होता है गुरु जो तनिक भी विलंब नहीं करता। गुरु क्यों कहता है कि तुम साधनाएं करो? गुरु क्यों कहता है कि तुम पूजा करो? गुरु क्यों कहता है तुम ध्यान करो? क्यों मेरे मार्ग पे चलो, मेरे मंत्रों को पढ़ो? क्यों कहता है? क्योंकि गुरु जानता है ना, उसके इतने सारे शिष्य हैं और न जाने कितने कितने पाप कर रहे हैं। कितना संभालेगा आपका गुरु? कितने अपने प्रभाव से अपने आप को बचा के रखेगा? गुरु बनना आसान नहीं है, शिष्य बनाना आसान नहीं है, उसकी जिम्मेदारियों को निभाना जरूरी होता है। गुरु वही है जो तुम्हारे पापों का बोझ अपने कंधे पे रख ले, वो गुरु होता है। और उस गुरु के लिए ना ये प्राण भी न्योछावर हैं, जन्म जन्मांतर के ये जो शरीर है ना कर्म बंधन का, ये भी न्योछावर है उस गुरु के ऊपर, क्योंकि उसने हमारे पाप संस्कारों को अपनी अपनी पुण्य रूपी अग्नि से जला के खाक करके हमें निर्मल बना देता है। और जब हमें निर्मल बना देता है तो हमें ईश्वर प्राप्त हो जाता है। हमारे घट में ना एक रोशनी स्फुटित होती है। मैं उसको रोशनी क्यों कह रहा हूं, उसके पीछे भी रीजन है। प्रकाश 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 सुनते चले आए हैं। प्रकाश का मतलब उजाला नहीं, प्रकाश का मतलब ज्ञान होता है। उजाले से आपको क्या होता है? यहां सोफा रखा है, यहां चेयर रखी है, यहां फला व्यक्ति बैठा है, वहां पे कोई और बैठा है। ममता सिंह जी बहुत बहुत आशीर्वाद। आपको कैसे, जैसे ही उजाला होता है आपको ज्ञान हो जाता है ये सोफा है, ये पुष्प है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। कब? जब वो प्रकाश आता है। बट प्रकाश तो एक माध्यम बना ना उन चीजों को दिखाने का। आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए, आपको ज्ञान मिल जाए। जिस चीज का ज्ञान नहीं है ना आपके पास, वो अप्रकट स्थिति में पड़ा हुआ है। और जैसे ही भी ज्ञान आपका हो जाता है ना, वो प्रकट हो जाता है। और गुरु के लिए बात कर रहे थे। देखो बंधु, सबसे पहले तो इतना बता दूं कि जब तक तुम्हें योग्य गुरु नहीं मिल जाता, तब तक आपकी साधना भी पूर्ण नहीं होती। तो कहा गया है कि फिर कहां से जाएं? बहुत प्रश्न आते हैं, गुरुजी मेरी भी क्षमता नहीं है कि मैं गुरु बन सकूं, क्योंकि गुरु बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अब ये आया ना कि गुरु कैसे, गुरु बना के कैसे पूजन किया जाए। तो भैया कहा गया है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वरुणहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलुचारी। ढेरों आशीर्वाद विनीत जी, यशस्वी भव, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, स्वस्थ रहे। जब तक आपको गुरु नहीं मिले, तब तक आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। क्या कहा जाता है हनुमान जी को? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाही। हनुमान जी को गुरु बना के अपनी साधना शुरू कर दीजिए, और हनुमान जी ना आपके गुरु तक आपको पहुंचा देंगे, क्योंकि हनुमान जी के लिए कालनेमी की कोई अस्तित्व नहीं है। कालनेमी आपको भटका नहीं सकता। और बहुत जरूरी है इंसान के जीवन में गुरु का आना, प्रकाश का आना। गुरु वो होता है जो आपके अहंकार का दमन करता है। गुरु वो होता है जो तुम्हें क्या सिखाता है? धरती से जुड़ के रखना, हमेशा झुक के रखना। गुरु जब मिलेगा ना, तो वो इतना सरल होगा ना कि तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा कि ये जो तुम्हारे सामने बैठा है ये ब्रह्म को जानता होगा। क्यों? क्योंकि उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसको अपने आवरण से, अपने वेशभूषा से, अपने तिलक से दुनिया का प्रोपोगंडा करके वो ये बताने की कोशिश नहीं करेगा कि मैं गुरु हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। जो है वो है, और जब आप उसे चखोगे तो आप उसे भी जान जाओगे।
और जब जान जाओगे तो क्या जरूरत है इन सब चीजों को करने की। अब आते हैं फिर से गुरु पे ही, और जो भी बोल रहा हूं ये गुरु कृपा ही है, गुरुदेव का आशीर्वाद ही है, वही बोलते हैं, मेरी औकात नहीं है कि मैं इन सब चीजों पे बात कर सकूं, मौन हूं मैं। बार बार सुनाया है और हर बार यही कहता हूं कि माता पार्वती और भगवान शंकर को पढ़िए। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा है कि आप ही सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो, अविनाशी हो, न बड़ा कोई है न छोटा कोई है, आप अजन्मा हो, तो आप किसका चिंतन करते हो? यहीं पे भ्रम है, यहीं पे भ्रम है। समझने वाली बात है, थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो सकती है बट समझने वाली बात है। समझ समझ का फेर है, नाम वही है लेकिन भाव अलग अलग है, नाम वही है भाव अलग अलग है। सबसे पहले जब आपको नाम जप दिया जाता है वो भी एक माध्यम है, लेकिन अगर मान लीजिए आप नाम जप रहे हैं और जपते जपते आपकी मानसिक स्थिति असंतुलन में हो जाए तो क्या आप भगवान को पाने के अधिकारी नहीं होते क्या? माला जप रहे हैं, जिसके हाथ नहीं है, जो माला नहीं जप सकता, वो क्या भगवान को पाने का अधिकारी नहीं है क्या? जो कानों से बहरा है, सुन नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, क्या वो भगवान को नहीं पा सकता क्या? पा सकता है, वो भी पा सकता है और अच्छे से पा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए ना ईश्वर ने कोई माध्यम इस तरह से नहीं बनाया। हां, माला जपोगे, नाम जपोगे, पाप कटेंगे, मिलेंगे ईश्वर। लेकिन मेरी चर्चा एक ऐसे गुरु पे है जो ये कहता है कि तक्षण तत्काल तेरे पाप काटूंगा और तुझे ईश्वर के दर्शन कराऊंगा। वो होता है गुरु, वो गुरु होता है जो समस्त पापों को तक्षण नष्ट करता है। गुरु का मतलब होता है जो खुद को मिटा दे, गुरु का मतलब होता है जो खुद को मिटा दे। खुद को मिटाने का मतलब क्या है? जो अपने शिष्य के स्तर को, अपने स्तर को ही अपने शिष्य के स्तर में मिला दे, वो जैसा है उसका शिष्य वैसा हो जाए, वो है गुरु। जब ऐसा योग्य गुरु मिलता है ना तो फिर कोई भेद ही नहीं रहता शिष्य और गुरु में। जो कुछ उसका है वो सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हें ही वो मिल जाता है। करण कुमार जी ढेरों आशीर्वाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। शिवम जी यशस्वी भव, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और भगवान की कृपा बनी रहे। वो होता है गुरु। और फिर वो गुरु मिलने के बाद आपसे कुछ चीजें मांगता है ना, क्या मांगता है? बहुत बड़ी चीज नहीं मांगता, त्याग मांगता है आपसे। क्या त्याग सकते हो उसके लिए, क्या दे सकते हो उसको? योग्य गुरु जो होगा, जो गुरु होगा, जो आपको ईश्वर से मिला सकता है, वो ज्यादा कुछ नहीं मांगता, वो सिर्फ आपके सांसों को जानना चाहता है, सिर्फ सांसों को। क्यों भाई, सारा खेल तो सांसों का है। जब तक ये चल रही है ना तब तक आप जीवित हैं, बस यही रुक गई कहानी खत्म, फिर ये शरीर भी सड़ने लगता है। लेकिन जब ये चलने लगती है ना तब तक शरीर सड़ती नहीं है, तो खेल कहां से हो रहा है? खेल तो यहां से हो रहा है। और यहां कौन है? यही तो परमात्मा है। सब कुछ आपके अंदर मौजूद है, बस फर्क इतना है कि आप जान ही नहीं रहे हो। सारा शस्त्र, सारी सिद्धियां, सब कुछ तुम्हारे पास है पर तुम्हें पता ही नहीं है किसका उपयोग कहां किया जाता है, तुम्हें पता ही नहीं है किसको चलाया भी जा सकता है। अगर तुम वेद, पुराण, उपनिषदों को पढ़ने लगोगे, पढ़ते पढ़ते तुम्हारा पूरा जीवन चला जाएगा, तुम्हें ज्ञान मिल पाएगा, तब भी किताबों को पढ़ नहीं पाओगे, एक जन्म नहीं कई जन्म कम पड़ जाएंगे। कभी सोचा है कि जो पूर्ण गुरु, संपूर्ण गुरु होते हैं, उनके पास ये ज्ञान कहां से आ जाता है? ये वेद, पुराण, उपनिषद, ये सब कहां से उनको आ जाते हैं? उनके वाक्य वही निकलते हैं जो उसमें रहते हैं। ये जो तुम्हें बाहर दिख रहा है ना, ये सब तुम्हारे अंदर है, सब तुम्हारे घट में है, घट में।
विमुख नहीं हो आप इनसे। जैसे परमात्मा क्या है, परमात्मा को मान लो समुद्र का जल। अब उस समुद्र के जल को क्या करो ना, थोड़ा सा कटोरी में निकाल लो। राजू चतुर्वेदी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़े से चम्मच में निकाल लो, थाली में निकाल लो, प्लेट में निकाल लो, निकाल लो ना, ग्लास में निकाल लो। तुम देखोगे ना उसका सेब तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन सब में क्या रहेगा, वही समुद्र का जल ही रहेगा। और वो समुद्र का जल, जितना उस समुद्र के जल में तात्विक गुण विशेषताएं हैं, तत्व की विशेषताएं हैं, वो पूरे समुद्र में है। ऐसे ही जो ये प्राण तुम्हारे शरीर में है ना, ये जिसे कहते हैं आत्मा और परमात्मा, परमात्मा उस अग्नि की तरह है या उस समुद्र की तरह है, और उससे छिटके हुए जो बूंदे हैं ना, वही आपके शरीर में अंदर ईश्वर रूप में आत्मा विराजमान है, जो उसी परमात्मा का अंश है, जो उसी की तरह निर्मल है, शुद्ध है। और जितना गुण उसके अंदर विद्यमान है, उतना ही गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान है। तुम जिस दिन उस बूंद को समझ जाओगे, उस आत्मा को समझ जाओगे, उस दिन तुम समस्त सागर को समझ सकते हो। जिस दिन तुम आत्मा को जान जाओगे, उस दिन तुम स्वयं परमात्मा को जान जाओगे, स्वयं परमात्मा को जान जाओगे। ब्रह्म को जानना है, स्वयं को जानना है, स्वयं को पहचानना है। आखिर तुम हो कौन, क्यों आए हो? जैसे ही पैदा होते हो तुम्हें बंधनों में बांध दिया जाता है। किसी के पुत्र हो गए, किसी के बेटे हो गए, कोई मित्र हो गया, शत्रु हो गया, जमीन हो गई, ये बनना है, अपेक्षाएं हो गई, आशाएं हो गई, अभिलाषाएं हो गई लोगों की, और उसी में लिपटे 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 तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम तो वही कर रहे हो ना जो आने के बाद माया रच दी गई है। अलग अलग जंजीरों से तुम्हें बांध दिया गया है। तुम किसी के पिता हो गए, किसी के पुत्र हो गए, किसी के पति हो गए, किसी के मित्र हो गए, किसी के शत्रु हो गए। कितनी रस्सियों में बांधा गया है तुम्हें। लेकिन तुम क्या इसीलिए आए थे? ये तो तुम्हारा बनाया हुआ संविधान है ना भाई, ये तो तुमने बनाया है ना। इसी से सुख मिलेगा, इसी में आनंद ढूंढ रहे हो, ढूंढ रहे हो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। कभी तो आनंद तुम्हारा होता है ये पद प्राप्त कर लूं, फिर आता है सुंदर बीबी मिल जाए, फिर सुंदर बच्चे हो जाए, फिर बच्चा आईएस हो जाए, फिर उसका भी अच्छा हो जाए। तुम्हारा कभी आनंद खत्म हुआ? क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि तुमने कभी पूर्ण आनंद पाया ही नहीं ना भैया। जिस दिन पूर्ण आनंद को पा जाओगे ना, उस दिन तुम्हारे सामने ये सारे आनंद सिर्फ खेल मात्र लगेंगे। क्यों? क्योंकि तुम एक बस में बैठे हुए हो, सबका स्टॉपेज आने वाला है। उस बस में बैठने के बाद, क्योंकि रास्ता सफर तय करना है, उसमें बहुत फ्रेंड मिल जाएंगे, किसी से आप बहुत ज्यादा इमोशनल होकर टच हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, लेकिन बंदो स्टॉपेज आएगा तो उतरना पड़ेगा, नहीं उतरेंगे तो उतार दिए जाएंगे, क्योंकि अगला बैठने वाला है। सोचो ना अपने बारे में, सोचो अपने बारे में, सोचो भैया, सोचो ये इस काया के विषय में सोचो जिसको इस माया ने जकड़ रखी है। बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा उद्देश्य है इसका। लेकिन बहुत बड़ा उद्देश्य मैं समझाने नहीं जा रहा हूं आपको कि आप कर्म से भाग जाओ, नहीं, सब कुछ करते हुए स्वयं को जान तो लो, स्वयं को पहचान तो लो। और कैसे पहचान हो पाएगी? कोशिश करते हैं, जितना महादेव की कृपा होगी उतना बताने की कोशिश करता हूं। बाकी कर्ता धर्ता बताने वाले सब तो वही है, हर जगह विद्यमान वही है। देखो भाई, ये मैं कहीं और से नहीं, ये मेरा स्वयं का, प्रभाकर पांडे जी स्वागत है आपका, प्रीतम नगदीव जी ढेरों आशीर्वाद, नरेंद्र भारद्वाज जी बहुत बहुत आशीर्वाद। देखो भाई, जो भी है ना, ये महसूस किया है जो मैं आपको बताता हूं। एक सिंपल सी कुछ चीज बताने से पहले ना, एक सिंपल सा ईश्वर का ही वो है, शायद आपने सुना होगा, एक सिंपल सी कहानी है जो मेरे जीवन से जुड़ी है, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, नाइन्थ से ही चीजों को जानने का शौक हुआ, बहुत बड़ी चीज है उसमें नहीं पढ़ूंगा। फिर आगे गुरु मिले, गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ, धन्य हो गया मैं, और बड़ी उनकी कृपा है कि उन्होंने हाथ रखा सर पे, कृपा है, नहीं तो कौन रखता है। वो सब चलता रहा, लखनऊ रहते थे, कुछ मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ रहते थे, तीन चार। और क्या हुआ कि रोज मंदिर जाने का मैंने उनका आदत डलवा दिया, रोज वो हनुमान जी के मंदिर जाने लगे, हम भी साथ में जाते थे।
लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता था कि ईश्वर मुझसे कहीं पे दूर है। तो मेरा मन होता था नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे। शाम को आए कहे कि चलना है भैया मंदिर चलना है, मैंने कहा यार आज मंदिर नहीं जाऊंगा। लोग डरते थे ये कहने में कि मंदिर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता था। मैंने कहा नहीं जाना है, ईश्वर नाराज थोड़ी ना हो जाता है, ईश्वर तो तुम्हारे समकक्ष है, तुम्हारे साथ बैठा है, तुम्हारे साथ बैठा है वो, तुम्हारे सांसों के साथ चल रहा है वो। और उस दिन क्या था, थोड़ी सी परेशानियां थी, मेरी स्वयं की परेशानियां थी, फोन भी लोगों के आ रहे थे क्योंकि पंडित जी प्रणाम जीवन में चक्र छोड़ कर नहीं सकते, इससे सज्जन हमारा कर्तव्य है। ठीक है, मैं उसे छोड़ने नहीं कहता, आप नहीं समझ पा रहे हैं, चर्चा करेंगे, कर्म छोड़ना नहीं है। तो वहां पे मैं दर्शन करने नहीं गया क्योंकि मैं पीड़ित था, मुझे ये लग रहा था। और उस दौरान लोगों की पीड़ाएं भी बहुत आ रही थी, गुरु जी ये हो गया, गुरु जी वो हो गया। उस समय मेडिटेशन से ही सारी चीजों को ठीक करता था, आंखें बंद करके मेडिटेट करके आपको ठीक कर देता था। जब गुरु आज्ञा हुई तो उस चीज को छोड़ना पड़ा। तो क्या हुआ, पीड़ा में था कि अगर आज ये ना होता मेरे पास तो कौन मुझे पूछता। कोई ऐसा नहीं है जो ये कहता है गुरुदेव आप कैसे हैं, कोई फोन ऐसा नहीं आता जो ये पूछता है गुरुदेव आप ठीक है, आप सही हैं, आज आपसे बात करने का मन है, आज कोई उपाय नहीं पूछना है, आज कुछ दिखाना नहीं है आपको। ये सोचते सोचते ध्यान में चला गया, और जब ध्यान में गया ना तो महादेव को देखा। देखने का मतलब क्या होता है, वो एक भावनाएं हैं, एक शब्दों का ना, एक भावनाओं रूपी भावनाएं जब शब्द बनाती हैं तो वो शब्द है जो मैं आपको व्याख्या के तौर पर बता रहा हूं। ऐसा लगा कि महादेव भी मुझसे यही कह रहे हैं कि देख मेरे मंदिर में कितने आए हैं, कुछ अभाव से आए हैं, कुछ प्रभाव से आए हैं, कुछ डर के आए हैं, तो किसी की बहुत बड़ी कामना है, सबके पास कोई ना कोई मतलब है। मेरे लिए कौन आया है, कौन आया है मेरे लिए, मुझसे मिलने कौन आया है। तब से जीवन में एक नियम बनाया कि कभी कभी ना आपको भी बनाना चाहिए, कभी कभी मंदिर ना इसलिए मत जाओ कि आपको ग्रह शांत कराने हैं, इसलिए मत जाओ कि बड़ी से बड़ी चीजें पानी है, कभी इसलिए जाओ ना कि जिससे तुम प्रेम करते हो, जिसे तुम अपना मानते हो, तो उसके पास जाओ ना, बाबा आज आपको सिर्फ देखने आया हूं, आपसे बातें करने आया हूं, आज आपके मंदिर में आपके सामने बैठ के ना बस आपको देखेंगे, आपको निहारेंगे। जी करता है ऐसे देखता रहो, और आप बढ़िया हैं बाबा, देखना उसके बाद कृपा देखना, कभी करना, बड़ा मुश्किल है, सोच के भी नहीं कर पाओगे, ये मैं फिर बता रहा हूं आपको। लोग सोचते हैं कि जैसे भी एक प्रश्न आया, लोग सोचते हैं कि गुरु धर्म ज्ञान हमें कर्म बंधन से मुक्त करता है। भैया अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कर्म बंधन से मुक्त कर दिया क्या? नहीं, उनको मुक्त नहीं किया, उन्हें कर्म करने पर विवश किया ज्ञान के साथ। मैं वही कह रहा हूं, जिस दिन गुरु आ जाएगा, योग्य गुरु तुम्हें मिल जाएगा, तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, उस दिन वो किसी चीज की बाउंड्री नहीं लगाता, किसी चीज की बाउंड्री नहीं बनाता, क्योंकि जहां पे बाउंड्रियां बनती हैं वहां पे शंकाएं उत्पन्न होती हैं। वो कहेगा तुम अपना हर काम करते रहो लेकिन तब भी मेरा जप होता रहेगा। जो वो ऐसा कुछ दे दे जो तुम्हारा तब खत्म हो जब तुम्हारी सांसें बंद हो जाएं, कुछ ऐसा आपकी सांसों में घोल दे, जब तक सांसें चलती रहेंगी तब तक आपका जप चलता रहेगा, तब तक आपका तप चलता रहेगा। आप सोचे कभी कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कौन सा ज्ञान दिया था कि अर्जुन युद्ध भी कर रहा है और उसका जप और सुमिरन भी चल रहा है। अर्जुन सब कुछ कर रहा है लेकिन तब भी उसका जप चल रहा है। आपने उसे जाना कहां है? विद्यार्थियों के लिए भी कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि तुम 2 घंटे माला ही जपो, नहीं, अभी आपको गुरु नहीं मिला है, जिस दिन मिल जाएगा ना उस दिन तुम सब कुछ करते रहो, सोते जागते उठते बैठते, वो एक ऐसा विधान बताएगा तुम्हें जिससे तुम्हारे घट में विधाता प्रकट हो जाएगा और तुम्हें उसे देख पाओगे, सुन पाओगे, देख पाओगे, सुन पाओगे, पाओगे। लेकिन क्या है ना, हमारी आंखें हमेशा दोष ढूंढती रहती हैं। हमने ना ज्ञान का एक मापदंड बना रखा है, ज्ञान का मापदंड बना रखा है, अपनी विद्वत्ता का एक मापदंड बना रखा है कि ईश्वर मिलेंगे तो ऐसे ऐसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे भाई?
दुर्योधन ने तो 56 भोग बनवाया था, मिल गए कृष्ण से। और वहां बुआ ने क्या रखा था? सरसों के साग और बासी रोटी। ईश्वर तो भाव का भूखा होता है ना भाई। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, क्या देने चले उसे, तुम क्या दे पाओगे उसे? किस वैभव को दिखा रहे हो तुम उसके आगे? सब कुछ तो उसी का है, उसी को दे के उसी के सामने इतराते हो, कैसी मूर्खता है। और ये एक बड़ी विडंबना भी है, मैंने बताया था ना मापदंड। ईश्वर को पाना बिल्कुल सरल है, इतना सरल है जैसे ये पेन है ना, ये पेन मेरे सामने दिख रही है, इतना सरल है। लेकिन तुम्हारा ज्ञान ये मापदंड बना दिया, नहीं, जब तक ऐसे नहीं होगा, इतना नहीं हो जाएगा, इतना नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक वो मिलेगा नहीं। तुमने ईश्वर के पाने का मूल्य निर्धारित कर दिया है, तुमने पाने से पहले ही उसकी बोली लगा दी है अपने ज्ञान के आधार पे। नहीं, इतने चप कर लो, तुमने पाप कर दिया, तुम्हें ईश्वर नहीं दिख सकता। अरे वो ईश्वर कैसे हो सकता है, वो तो नाली के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति है, वो ईश्वर कैसे हो सकता है? ये तो मूढ़ है, इसको तो कुछ आता जाता नहीं, ये कैसे गुरु हो सकता है यार? ईश्वर तुम्हारे सम्मुख भी आ जाएगा ना, तब भी तुम पहचान नहीं पाओगे, तुम उसे जान नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने ज्ञान का भंडार भर रखा है, तुमने ज्ञान का दीवाल बना रखा है, ज्ञानियों का एक दीवाल, ज्ञान के अपने ज्ञान का एक माप बिंदु रूपी दीवाल बना रखा है। कहां से पाओगे उस ईश्वर को यार, जो बिल्कुल नजदीक है तुम्हारे। और यह भी है ना, एक प्रश्न उठता है, बहुत बड़ा है, काफी विलंब हो जाएगा। एक प्रश्न उठता है, गुरु पूर्णिमा थी इस वजह से आप लोगों के बीच में आया हूं, नहीं तो आप लोगों के सेवा के अवसर के कारण हमेशा आता रहूंगा, कुंडलियां भी देखूंगा, सब कुछ करता रहूंगा। आज तो बस ऐसे गुरु कृपा है और बस ऐसे बात करने की इच्छा हुई तो आपके बीच में। बहुत लंबा हो जाएगा, जाने देते हैं, किसी दिन उस पर चर्चा करेंगे। बट आपके अगर प्रश्न हैं तो वो प्रश्न आप मेंशन कर सकते हैं, कोशिश जरूर करूंगा कि आपकी जिज्ञासाएं थोड़ी बहुत शांत हो जाए। कुछ भी प्रश्न हो, किसी भी चीज से जुड़ा हो, देखो भैया जीवन जो होता है ना, जीवन जो भी है वो बड़े भाग्य से मिला है, वो किसी का भी हो। एक चीज याद रखना, प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती। सूर्य उगता है तो कभी ये कहता है क्या कि तुम धनवान हो तो मैं तुम्हें कम धूप दूंगा, तुम ज्यादा, तुम कमजोर हो, असहाय हो तो मैं तुम्हें धूप से तपा दूंगा? कभी भेद करता है क्या? कभी जल भेदभाव करता है क्या कि तुम गरीब हो, तुम्हारे शरीर में ये दिक्कत है तो मैं तुम्हें पानी पानी की तरह नहीं लगूंगा, मैं जिसके पास पैसा है उसको ज्यादा मीठा लगूंगा? भेद करता है। अग्नि कहीं भेद करती है क्या कि नहीं, मैं 1,000 के नोटों की गड्डी को ऐसे जलाऊंगी, 2,000 नोटों की गड्डी को ऐसे जलाऊंगी, या मैं 10,000 को नहीं जलाऊंगी, ऐसा कुछ करता है? या मैं गरीब को नहीं जलाऊंगी, मैं अमीर को जलाऊंगी? अमीर कहेगा नहीं, यहां अमीर के घर में या जिसके पास बहुत धन है उनके घर में मैं अपने ताप को कम रखूंगी और कहीं बहुत ज्यादा रख दूंगी? अग्नि कभी भेद की है? हर वो चीज जो ईश्वर और भगवान से जुड़ी हुई है ना, वो आपसे कभी भेद करती ही नहीं। एक साइकिल खरीदने वाला व्यक्ति पहली बार, एक पहली बार साइकिल खरीदने वाला व्यक्ति, पहली बार गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति, उससे अच्छी गाड़ी खरीदने वाला व्यक्ति, पहली बार कार खरीदने वाला व्यक्ति, पहली बार मर्सिडीज खरीदने वाला व्यक्ति, जितना खुशी होगा उतनी खुशी उस साइकिल, पहली बार साइकिल खरीदने वाले को भी होती है भैया, जो अपने जीवन में पहली बार साइकिल खरीदता होगा। क्योंकि आनंद जो है ना, आनंद भेद नहीं करता। भूख जो लगती है ना, भूख जो आपके शरीर को भूख लगती है, वो सबकी अलग अलग नहीं होती, क्षुधा सबकी शांत होती है। ऐसा नहीं है कि वो अंबानी है, ये बहुत बड़े हैं तो नहीं उनको भूखे नहीं लगती होगी, उनके शरीर में कोई क्रिया ही नहीं होती होगी। नहीं, प्रकृति ने कभी भेद नहीं किया है।
प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, भेदभाव तो तुम करते हो, तुम सोचते हो। मातृत्व सुख जानते हो, मातृत्व सुख जैसे पिता पुत्र माता उनका पुत्र जो खुशी मिलती है ना, वो सबको उतनी ही मिलती है भैया। वो चाहे बड़े घर में हो चाहे वो छोटे घर में हो, सुखी सब होते हैं, आनंदित सब होते हैं, दर्द सबको उतना ही झेलना पड़ता है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, भेदभाव आप स्वयं करते हैं। इसीलिए सिर्फ गुरु पूर्णिमा पे इतना ही कहूंगा कि खुद को जानो, खुद को जानो, खुद को जानने की कोशिश कर लो। क्यों कहता हूं, जैसे मान लो एक अंधकार है और अंधकार में कुछ दूर तक लाइट चल रही है, लाइट जितनी दूर तक लाइट चल रही है ना, वो भी आपका रास्ता है। आप उस रास्ते से गुजर रहे हो ऐसे, यहां लाइट जल रही है और आप ऐसे गुजरे, जहां लाइट चल रही है वहां प्रकट हो गए और फिर लाइट बंद हुई तो अप्रकट हो गए। माया में ऐसे फंस चुके हो, माया में ऐसे फंस चुके हो कि आपको यही जो जहां लाइट जल रही है, जहां पे तुम प्रकट हुए हो ना, इससे पहले भी अप्रकट थे, इसके बाद भी अप्रकट ही हो जाओगे, लेकिन बीच में जो तुमने लाइट में एक प्रेजेंट तुम प्रकट से हो गए हो ना, उसी को तुम अपना सब कुछ मान लिए हो। ये नहीं जान रहे हो कि ये जो शरीर है ये लाइट की वजह से है, अभी यहां से निकलने के बाद फिर अप्रकट हो जाना है, और शरीर ही ये माध्यम है। जो बार बार पंडित जी आपसे कहते हैं कि फूल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए, हाथ में लेके ध्यान करिए, ध्यान करिए, चौकी पे तो सब कुछ बनाया है, फिर क्यों कहते हैं कि आंखें बंद करके ध्यान करिए? क्यों बताते हैं भैया, क्यों कहते हैं ध्यान करिए? क्यों जानते हो? जिस दिन ये चक्षु चले जाएंगे, जिस दिन ये आवरण छीन लिया जाएगा, उस दिन कहां से देखोगे? तुम कैसे चल पाओगे उस घोर अंधकार में? कैसे उस घोर को अघोर कर पाओगे? जो घोर को जान जाता है ना, जो अंधकार को प्रकाश में बदल देता है ना, वही तो अघोर होता है। तो ये शरीर तुम्हें अघोर होने के लिए बना हुआ है। अघोर हो जाओ। अघोरी का मतलब ये नहीं कल से भस्म लगा के टहलो, ये मेरा मतलब नहीं था भैया। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि इस शरीर, इस माध्यम से ये जान जाओ कि जो आगे का रास्ता तय करना है तुम्हें, वो इन चक्षुओं से नहीं, अंतःकरण के चक्षुओं से देख के करना है। और उसे अगर तुमने इस जन्म में जो तुम्हें मिली हुई है इसमें अगर तुमने उसे प्रकट नहीं किया गुरु कृपा से, तो तुम चल नहीं पाओगे। तुम यातना भी समझते हो, तुम्हें सोचते हो कि तुम्हें यही यातना मिलती है, क्योंकि तुम मूर्ख हो। ये तो सिर्फ एक काल का एक खंड चल रहा है, उसके आगे तो घोर अंधकार तुम्हें जो लग रहा है ना, मैं तो कहूंगा प्रकाश है, लेकिन उनके लिए घोर अंधकार होगा। वो चल के आएंगे, वही खड़े हो जाएंगे, चल के आए। कभी सोचना, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं, जितना मैं सोच सकता हूं, पूरे ब्रह्मांड को अंधकार में करके तुम्हें एक स्थान पे छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि इधर से एक रास्ता जाएगा जो तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाएगा और तुम्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि तुम्हें आनंद चाहिए। और आनंद कैसे मिलेगा? आपकी तरह की असंख्य आत्माएं आपसे आके मिल जाए, बात करने लगे, आपका आनंद बढ़ जाता है। वहां पे आप अकेले हो, पूर्ण अंधकार है, जाना है, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तुम इधर से जाके घूम के वहीं आ जा रहे हो कि सही दिशा में जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। कितना कठिन होगा? उसके पहले का ये एक माध्यम है जिससे आप जान सको। इसीलिए गुरु आवश्यक है, इसीलिए प्रकाश आवश्यक है, इसीलिए घोर से अघोर होना आवश्यक है। मुझ में कुछ नहीं है भैया, अच्छाई भी नहीं है, बुराई भी नहीं है, जो कुछ देखना है ना वो आपकी आंखें देखती हैं, सिर्फ आपकी आंखें हैं, वो मेरी अच्छाइयां भी देखती हैं, मेरी बुराइयां भी देखती हैं। तो आप जैसे हो ना, आप मुझे वैसा ही देखते, इसमें मेरा कुछ वो नहीं है। समझना, एक चीज समझना, ये भी समझाने जा रहे हैं, बहुत लोगों ने समझाया होगा, मार्केट में ना 500 का असली नोट है तो 500 का नकली नोट भी है, 400 का नकली नोट है, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि 400 का असली नोट नहीं है, असली होता तो नकली होता। जो नकली नोट होती है वो ज्यादा खनकती है, जो असली होती है वैसे ही रहती है।
नकली क्या करता है, नकली आवरण को अपना के असली साबित करने की कोशिश करता है, ढोंग करता है, ये नहीं खाता मैं, वो नहीं करता मैं, यहां नहीं बैठ सकता मैं, अरे मुझसे दूर से बात करो नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, फलाना ठिकाना, दुनिया भर का ढोंग पिचाल वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बताना है कि मैं असली हूं, मैं असली हूं, वो ऐसे बताने की कोशिश करेगा। जैसे रामचंद्र जी का जब कोई रूप धारण करता है तो रामचंद्र जी नहीं होता, लेकिन काजल लगा लेगा, चमका लेगा, वस्त्र अच्छे से टाइट होके पहन लेगा, जूड़ा लगा लेगा, धनुष ले लेगा बढ़िया वाला, ऐसे ऐसे करके चलेगा। क्यों ऐसा वो करेगा? क्योंकि वो राम नहीं है, वो राम बनना है उसे, कैसे? उस रूप को धारण करके। तो जो ठग होता है ना, जो सत्य और असत्य के बीच में सिर्फ समझ है ना, जो होगा वो शांत होगा, सरल होगा, मतलब नहीं है तुम हो कौन, कहां से आए हो। और जो नहीं होगा ना, वो दुनिया का आवरण अपना के खुद को वो बताने की कोशिश करता है कि मैं यही हूं। तुम मुझे कैसे जानोगे? तुम मुझे मेरे वेशभूषा से जानोगे? तुम मुझे कैसे जानोगे? मेरे चंदन से जानोगे? मुंड की माला से जानोगे? भस्म लगा लिया हूं, पूरा रंग लिया हूं, कुछ नहीं आता मुझे, लेकिन मैं रंग लिया हूं सब में, मैं स्वयं शिव हो चुका हूं। कैसे जानोगे? मेरे आवरण से जानोगे जो मैंने बनाया है, क्योंकि तुम कुछ नहीं हो। और जो होगा उसे कुछ करने और कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कौन हूं। वह तुम्हें पकड़ना नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी पकड़ना नहीं चाहेगा। उसका कोई स्वार्थ नहीं है आपसे। हाँ आनंद है। आनंद क्या आता है? आनंद आता है सत्संग में, आनंद आता है उस गूढ़ता पे चर्चा करने पे, उस परम आनंद की चर्चा करने पे। उस आनंद को पाने के लिए वो आपसे बात कर सकता है, आपके सम्मुख बैठ सकता है, आपके प्रभाव में नहीं आ सकता। दो तीन चीजों को अपने जीवन में हमेशा मानिएगा, एक डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर, लॉयर। डॉक्टर जो होता है ना, कभी व्यवहार पे आप नहीं जाते, आपका तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और बता दिया गया कि आपके आंतों में बड़ी दिक्कत है, अब आप जाएंगे, आप वहीं जो डॉक्टर आपका व्यवहारिक है वहीं जाके आप जाइए दिखाइए, मार डालेगा आपको। आप उसके स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और वो स्पेशलिस्ट क्या होता है, आपको गाली भी दे देता है, हो सकता है बाहर ही खड़ा करवा दे, बाहर ही खड़े रखो उनको, कल आएंगे, आज मेरा टाइम हो चुका है। क्यों ऐसा करता है वो? क्योंकि वो सामर्थ्यवान है। फिर आप क्या करते हो? आप वहीं खड़े रहते हो, फिर नंबर आता है, फिर उसे दिखाते हो, फिर आराम मिलता है। वो क्यों आपको 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 आपकी चाटुकारिता क्यों नहीं करता? क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसने उस विधा को सीख रखा है। और दूसरा डॉक्टर क्या करेगा? चाटुकारिता करने लगता है, हालचाल लेने लगेगा, पूछेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो डॉक्टर से नहीं है, फिर वो ठग है। और आप स्वयं कौन, क्या ढूंढना चाहते हो? ठग। आप अपने जीवन में ठग ढूंढने की कोशिश करते हो, जो आपकी प्रशंसा कर दे, चाटुकारिता कर दे, नहीं नहीं भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नीक, जो ब्रह्म को जानेगा, जो ईश्वर को जानेगा, वो तो जान रहा है ना, मुझे जो मांगना होगा मैं अपने राम से कह दूंगा, अपने शिव से कह दूंगा, मिल जाएगा। श्याम सुंदर तिवारी जी, बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेरों शुभकामनाएं आपको भी, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, मस्त रहे, स्वस्थ रहे जी। बिल्कुल बात होगी, बात होगी और अच्छे से होगी। भारती गुप्ता जी, ढेरों आशीर्वाद। अब यहीं पे बात को खत्म करता हूँ, बहुत समय हो चुका है और मुझे भी बाबा विश्वनाथ का दर्शन के लिए जाना है, काशी के लिए निकलना है, इस वजह से क्षमा चाहेंगे। शीघ्र मिलेंगे, लेकिन आपके परेशानियों के कारण निकलेंगे, आप ज्योतिष के संबंध में मिलेंगे। आज गुरु पूर्णिमा थी तो अंदर से आध्यात्मिक जो समुद्र है ना वो हलोरे मारा, तो बस आपसे बात हो गई। ये जो भी हुआ गुरु ही चाहे, बाकी डेट ऑफ बर्थ भैया बचा के रखिए, आप बाद में दे दीजिएगा, सब कुछ देखूंगा। ये जो देख रहे हो ज्योतिष, ये मेरे जीवन का एक पन्ना है, इसके पीछे न जाने कितने पन्ने ऐसे पड़े हुए हैं और कुछ इसके बाद भी हैं। चलिए इसी के साथ ओम नमः शिवाय।
महादेव की कृपा बनी रहे और आपको आपके गुरु मिल जाए, आपको आपका प्रकाश मिल जाए, आपको ईश्वर के दर्शन हो जाए, आपको चार पांच चीजें जो ईश्वर के नजदीक जाने में प्राप्त होती हैं उसका अनुभव हो जाए, यही कामना है। नारायण आपकी कामना पूर्ण करें। हर हर महादेव।